रहे यार? इसे, इसे. किससे? मिडल फिंगर नहीं दूंगा मैं. इससे ना मेरे को याद आया, हम लोग ना स्कूल में ना वो करते थे, तो मेरा एक सर था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं को मैं फंस जाऊंगा उनका नाम लेकर के. वो ना वो खट्टूस मारते थे, ऐसे खट्टूस होते ना, तैसे सर पे मारते थे, ये क्या किया है, क्या क्या बोला है, टक करके से मारते थे बिल्कुल. तो पर तुम्हारी होंगी बहुत सॉलिड है यार. अरे माफ करना, सॉरी सॉरी सॉरी. तो हम लोग शो शुरू हो गया. हेलो बटन्स चैनल पे आप सबका स्वागत है. शो का नाम है किड्स स्पीक. यस, आप हैरान होंगे कि मैं अली असगर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ. अभी और कैसे इंट्रोड्यूस करूँ मैं अपने आप को. शो का नाम है किड स्पीक, तो किड ही स्पीक करेगा ना. है कि नहीं? आइला, अरे ये तुम लोग जुड़े हैं? ट्विंस है, ट्विंस है. अच्छा ये देखो, क्या बहुत टाइम के बाद ऐसे ट्विंस दिखे मेरे को. क्या नाम है आपका? पीचेस. नहीं नहीं, नाम क्या है? पीचेस. नहीं वो तो खाने का शौक होगा आपको, पीचेस गुड फॉर हेल्थ, पर नाम क्या है आपका? मेरा नाम पीचेस ही है. पीचेस ही है? हाँ. पीचेस, आपका नाम? प्लम. प्लम और पीच. फ्रूट खाने का शौक है पापा को? नहीं नहीं नहीं. अच्छा तुम दोनों में से बड़ा कौन है? मैं. तुम बड़ा? ओ प्लम. कितने मिनट बड़ी हो तुम? दो मिनट. दो मिनट? दो मिनट से तू हार गई. आइला. और आपका नाम बेटा? शर्विल. शर्विल. और आपका नाम? रीत. ओए मेरे लड्डू, रीत. लड्डू पेड़ा. क्या करना है? शो कैसे शुरू करते हैं, क्या करते हैं, उसमें क्या होता है? इसके साथ, इसके साथ. इसको क्या करने का मतलब? अभी आप एक बच्चे को चूज करोगे, कोई भी, कोई भी, चारों में से. भाई इन दोनों में से जिसको भी करूंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा. इसको करूंगा तो बोलेगा नहीं मैं थी. ओके तो एक बच्चे को चुनना है मुझे. हाँ, और फिर वो उसमें, फिर वो एक चिट उठाएगा उसमें से. हाँ, हाँ. फिर तो वो खोल के देखेगा और जो भी एग्जांपल आया क्या आ सकता है, बर्ड. तो क्या बर्ड है, कैसा होता है, तो उसके बारे में सिर्फ डिस्क्राइब करना और बात करने से. अच्छा 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 अच्छा. तो वो हमारा आज उसके ऊपर हम बहस करेंगे. हाँ, ये जानेंगे कि आपको उसके बारे में क्या पता और मुझे भी क्या पता, मैं भी बच्चा हूँ. मुझे छोड़ दो. ड्रीम्स. ड्रीम्स का मतलब सपने. सपने, सपने तो अपने होते हैं. हाँ. ड्रीम्स के बारे में है. तुम लोग ड्रीम्स देखते हो? कभी कभी. हाँ. कभी 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 आते, कभी कभी नहीं आते. हर रोज, हर रोज, हर रोज. हर रोज? हर रोज. तुम सोती हो तो तुमको ड्रीम आता है? हाँ. तो तुम्हें कैसे पता कि तुमको ड्रीम आया है? वो दिखता है, ड्रीम आया है, दिखता है. अरे तुम्हारी तो आँख बंद है, तो उसमें कैसे दिखता है? अरे सोच. हाँ, दिमाग के अंदर. अरे तब तुम सो रही हो तो तुम सोच कैसे सकती हो? अरे बाबा, अरे बाबा क्या प्लम्प बोलना. मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे तो ड्रीम्स आते नहीं है सच्ची. मेरे को तो ऐसा फील होता है मैं बिल्डिंग से गिर रहा हूँ. झटका लगता है ना? हाँ तो डाक ऐसे सोता हूँ फिर तुम शायद पिछले जन्म में स्पाइडरमैन रहो इसलिए बिल्डिंग से है ना. बिल्डिंग से गिरने का सपना किसको आता है? मेरे को आता है. तुमको भी आता है? हाँ, मुझे भी आता है ऐसे झटके से ऐसे गिरना. ड्रीम्स को सब्जेक्ट को देखने के दो पहलू है जितना मुझे समझ में आता है. एक है कि हम जब सोते हैं तो हमको ड्रीम्स आता है. एक है, एक मेरा ड्रीम है. तुम लोगों का सपना क्या है? आई विल स्टार्ट विद यू. एक डांसर, वो भी पूरे वर्ल्ड का बेस्ट डांसर बनना चाहता हूं. तो किसको फॉलो करते हो, कौन से एक्टर को? प्रभुदेवा सर एक. अच्छा तुम कभी स्कूल वूल में डांस करते हो, तुमको मौका मिलता है ऐसा? अरे वाह, तो ऐसे तुम्हारे ऐसे रुबाब में चलते होंगे ना कि अरे वो देखो डांसर आ गया, ही इज द बेस्ट डांसर. देखो डांसर किसको, मेरा नाम नहीं पता होगा ना, सब लोग वही बोला डांसर डांसर डांसर. ये जूनियर प्रभुदेवा है, जूनियर प्रभुदेवा है. तो एक जल्दी से एक प्रभुदेवा का डांस स्टेप दिखा ना, तेरा फेवरेट स्टेप कौन सा है? मेरा फेवरेट स्टेप इधर जल्दी से दिखा दे, जल्दी जल्दी जल्दी. हां मेरा फेवरेट स्टेप क्या है? हां कौन सा? मुकाला मुकाबला लेंगा ओ लेंगा. हां प्रभु सर இந்த பலாதல்ல பட்டு கரபல்ல தபரபல்ல தபரபல்ல ரபர. வெரி குட், சூப்பர். யா பாதே, ஹானஸ்ட்லி இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு யூ நோ டான்ஸ். ஆர் ப்ளம் 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 நான் அமெரிக்க मालूम है अभी. बड़ी भी हो जाएगी तो मैं पहचानूंगा इसको. ப்ளம் तुम्हारे ப்ளம் तुम्हारा क्या सपना है? ஸ்போர்ட்ஸ் டீச்சர் ஆர் ஜிம்னாஸ்ட் டீச்சர். டீச்சர் बनना है? क्यों? बच्चों को मारना है और गुस्सा निकालना.
लगता है टीचर से बहुत डांट खाती हो तुम, इसीलिए तुम्हारा भी आगे चन चन के मारूंगी। नहीं है मेरे मेरे स्कूल में मेरे और मेरी बहन की ऐसे कुछ क्लास में बातचीत वगैरह नहीं करते। करती हूं पर सुमड़ी से। प्लम द सुमड़ी। ओके सुमड़ी कुमड़ी सुमड़ी स्पाइन। ये सुमड़ी और तुम कुमड़ी दुमड़ी। नहीं हाँ वो बात ही नहीं करती। अच्छा ये चुप रहती है। चुप। ओ तो ये सीता तुम गीता हो। आपस में वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। रहने दो। और मैडम पिच आपका क्या सपना है? सिंगर और डांसर। सिंगर और डांसर। हाँ डांसर डांसर दोनों डांसर। हाँ ये दोनों डांसर का क्या बात है। तो सिंगर क्यों? आपको गाने का शौक है? हाँ। तुमको गाना पसंद है ना? तो अगर समझो के ये जो पोइट्रीज होते हैं ना स्कूल की पोइट्रीज होती है ना उसको पता है एक क्या? नाइट एंड जून। हाँ नाइट एंड जून। नाइट एंड जून। अभी इसको थोड़ा सा रिदम में म्यूजिक में है ना ऐसा कम ऑन हम लोग सब म्यूजिक देंगे सारा। चलो नाइट एंड जून बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द सन हैज लॉन्ग बीन सेट बट स्टार्स आर बाय टूज एंड थ्रीज द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग इट अमंग द बुशेस एंड ट्रीज देयर आर वन आर टू थ्रशेस अ पार ऑफ विंड दैट रशेस अ साउंड ऑफ वर्ड दैट गशेस अ ककू इज सॉफ्ट एंड क्राई द होल ऑफ द स्काई। क्या बात है वेरी गुड वेरी गुड। हाय बच्चे में टैलेंट है भाई। प्लम्प एंड पीच सही ट्रैक पे। हां लड्डू। हां लड्डू। व्हाट इज योर ड्रीम? टेबल टेनिस प्लेयर बनना है। टेबल टेनिस प्लेयर? तुम खेलते हो टेबल टेनिस? अच्छा खेलते हो। कब से खेल रहे हो? फोर्थ। जब फोर्थ में थे जब से? अभी तुम फिफ्थ। फिफ्थ। अच्छा एक ही साल हुआ है। बस सिर्फ टेबल टेनिस का शौक है तुम्हें? मतलब ड्रीम तुम्हारे सिर्फ यही बनना है या और कुछ भी? बिजनेसमैन। माल ही माल। ये एक कुआं होता और मैं इसमें डूब मरता ऐसा। मतलब इस उम्र में जब ये इत्तू सा जो है इस उम्र में जब मैं इत्तू सा था हमको जरा भी नहीं पता था कि पैसे कितने देंगे पैसे कितने लेंगे इतनी अक्ल ही नहीं थी। पर ये ऊपर वाले आज के जेनरेशन को क्या खिला के पैदा किया है भाई। क्या खिला के पैदा किया है। वाह मैं तो यही दुआ करता हूँ प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लड्डू का ये जो भी ड्रीम्स है वो पूरे हो जाए क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। हमको भूलना मत सरकार। ड्रीम्स हो गया। हाँ। सपने से बाहर आ जाओ साथियों। कुछ अच्छा उठाना है एकदम इंटरेस्टिंग। बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग का मतलब क्या? बॉडी शेमिंग मतलब कि लाइक एक थिन लड़की है एक मोड़ का लड़का है अभी बॉडी शेमिंग करेगी तू सुखड़ी है शी 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 तू मोटा है शी 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 ऐसे बोले वो बॉडी शेमिंग है। सुखड़ी लड़की और एक मोटा लड़का ये बोल सकती थी कि मोटी लड़की और सुखड़ा लड़का। सुखड़ा भी नहीं चलता। सुखड़ा भी नहीं चलता ना। एक लड़का एक लड़की। एक लड़का लेकिन फिर उनको बॉडी शेमिंग मतलब बॉडी पे एक दूसरे को चिढ़ाना। हाँ अगर सामने वाला विदाउट रीजन कुछ भी बोल रहा है बॉडी पे तो हम लोग को सॉरी बोल के मिटा देना चाहिए। भाई मत बड़ा बॉडी शेमिंग पे बॉडी पे मत जा। तो वो बोल रहा है तू बोल अपने पे बोल पर बॉडी पे मत जा। बॉडी शेमिंग क्या है कि बॉडी शेमिंग ये कहते हम टू डिस्क्राइब समबडी किसी के अपीयरेंस को किसी के बॉडी को लेकर के मजाक उड़ाना या उसके कलर को लेकर के तो तुम दोनों आपस में नहीं करते बॉडी शेमिंग? नहीं मैं तेरे से बड़ी हूँ थोड़ी। नहीं मैं मेरे भाई के साथ करता हूँ। क्या बहुत पतला है वो। जब भी झगड़ा होता है ना घर पे मैं उसको बोलता हूँ अबे ओए एक फूंक मारूंगा तो उड़ के चला जाएगा किसको मिलेगा भी नहीं तू। तुम्हारे साथ बॉडी शेमिंग होता है कि नहीं या तुमने कभी किसी को किया या तुमने ऐसे कुछ होते हुए देखा तुम्हारे क्लास में हुआ है? मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ? हेयर शेमिंग। हेयर शेमिंग। मेरे पास इसके जितने थे ना तब मेरे को सब लड़की लड़की बुलाते थे। मेरे हिसाब से बॉडी शेमिंग जो है ना वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ये दिस इज अ बैड बिहेवियर सर। अगर आप स्कूल में हैं आपके साथ गलत हो रहा है तो आप अपने टीचर को आपके प्रिंसिपल को अगर आप उन तक ये बात पहुंचाइए। अब बारी है इनकी तो वही तो देख रहे खाली हमारा शो देख रहे हैं ऐसा नहीं चलता है। सिर्फ शो देख के मजे लेने का नहीं है। हाँ आपको सब्सक्राइब भी करना है। लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैंने क्या बोला? सब्सक्राइब 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 एंड लाइक बटन्स ब्लम 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 बिग फटा पोस्टर निकला हीरो हीरो में है पेरेंट सीक्रेट्स यस अरे आराम से ये पाप इन्होंने किया है
मैंने कुछ नहीं किया। हेलो पापड़ी, शुरू हो जाओ। पेरेंट सीक्रेट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरा पेरेंट का सीक्रेट मुझे बहुत बहुत पता है। मेरी मम्मी ने बहुत बोला मुझे मेरा पेरेंट का सीक्रेट। नहीं, तुम्हारी मम्मी नहीं, अंदर चले गए, दरवाजा भी बंद कर दिया उन्होंने। जल्दी जल्दी बोल। हाँ, तो मेरी मम्मी का पेरेंट सीक्रेट है, वो पापा से पापा का वॉलेट हाँ, उससे पैसा चुराती है। 200 रुपए मम्मी ने पापा से पूछा, 200 रुपए, पापा ने बोला नहीं, ऐसे चुप चुप के लेगी और वो बोलेगी मैंने तेरे पर्स से पैसा नहीं लिया, सॉरी। पैसे निकाल लेती है? हाँ। रोज निकालती है के कभी कभी? रोज। कुछ बचता है के पापा के पास के नहीं? पापा को नहीं पता कि मम्मी ने लिया, मैं देखती हूँ सुमड़ी से। तुम देख लेती हो सब? हाँ। ओहो, सुमड़ी क्वीन, क्या बात है। मतलब बेचारे यहाँ पे पापा जो है वो देना बैंक है, मम्मी लेना बैंक। से मेरे भी घर पे आज सुबह की बात है, ब्रेकिंग न्यूज, आज सुबह की बात। तो मम्मी ने पापा को बोला कि जाओ हॉल का लाइटिंग निकाल के दे दो, पैक कर रहे हैं। तो पापा गए बाहर, मम्मी ने दरवाजा बंद कर दिया और पापा पैंट में रखते जेब, मोबाइल भी, पैसा भी सब। मम्मी ने 2 5 की नोट चिरा के लाई है। अभी भी मैं मम्मी के पर्स से निकाल के दिखा सकता हूँ, वो भी दोनों के दोनों 500 की नोट। लड्डू, योर सीक्रेट? लड्डू के पापा के पास तो बहुत पैसा है। अब सीक्रेट बता। पापा की सीक्रेट, मम्मी की सीक्रेट, मम्मी की सीक्रेट, मम्मी की सीक्रेट। मेरे मम्मी के जो आता है ना बैंक, हाँ, वो उसके अंदर इतने पैसे पड़े, वो मम्मी बोलती है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अभी मम्मी का बैंक अकाउंट चेंज करूंगा तो क्या ही बताऊँ, पर तो भी पापा से ही लेना है। अरे, 1-1 लाख रुपए। मम्मी का बैंक मतलब सोना और पापा का बैंक मतलब मेटल या फिर कोई भी ब्रॉन्ज ऐसा। नहीं, मम्मी का बैंक मतलब सोना, पापा का बैंक मतलब रोना। और पापा घर पे जाके नहीं, तो मतलब ये पापा सब पैसे कमाते हैं और क्या मम्मी के अकाउंट में डाल देते हैं? सबके पापा ऐसे, सबके पापा ऐसे। और मेरे घर पे एक्सचेंज है, मेरी मम्मी के पास मतलब नोट रखती नहीं है, मम्मी जीपे रखती है। तो मम्मी नोट दे देती है और पापा को बोलती है 1 1500 रुपीज एक्स्ट्रा करके मेरे को जीपे कर देना। बिजनेस। आपको पता है क्या कि हाउ कैन अ गर्ल रूल हर ओन किंगडम? पता है? नहीं, जस्ट मैरी विद द गाय। ऐसे कई बार मम्मी डांटती पापा को बहुत बहुत ज्यादा। क्या बोलती, क्या है ऐसे? कुछ बोलती है, अगर पापा ने ज्यादा बोला ना तो मम्मी एक ही बोलती है, आवाज नीचे रख, आवाज नीचे रख। एंड में जीतते कौन है घर में? मम्मी। ओ, आंखी आंखी दिखाती है? कभी कभी नहीं, और जब पब्लिक में तो यूजली है ना, मम्मियाँ होती है ना, वो लोग कहीं ऐसे पार्टी वार्टी में ना, वो लोग ऐसे कोनी रेडी रखते हैं ऐसे। हाँ। कभी भी ऐसे ही सर, हमने तो हमारे सब बता दिया कि हमारे मम्मी पापा का ये सीक्रेट है। आपका शादी के बाद आपका क्या सीक्रेट है आपके मम्मी पापा का? बेटा, शादी होने के बाद मम्मी पापा का सीक्रेट नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ का सीक्रेट होता है। मतलब अभी जैसे आपके मम्मी पापा है वैसी मेरी हालत है घर में। अभी मेरे घर पे ना, अभी हम लोग शूटिंग करते हैं, तो शूटिंग के अंदर बीच में ये हो गया था, मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया। मैंने बोला कि नहीं यार, डेली सोप है, मैं यार वहाँ का यूनिट का खाना खाता हूँ, बहुत ऑयली होता है। सुन सिंधु, प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा टिफिन बांध दे यार। तो वो टिफिन बनाकर देती है, वो टिफिन अच्छा, उस सुबह 7 बजे की शिफ्ट है, तो बेचारी को 5 बजे उठ के टिफिन बनाना है। अब वहाँ गए, अभी कभी वहाँ पर चले गए, अब हम सारे एक्टर्स रहते हैं, तो वो किसी ने कभी पिज्जा मंगा लिया, कभी किसी ने कुछ बर्गर मंगा लिया, कभी कुछ और, कभी पानी पूरी वाले को बुला लिए बाहर, तो वो पानी पूरी खा लेते, कभी रह जाते, टिफिन बच जाता है। तो जब वो मतलब 8-8:30 बजे ट्रैफिक से आप नए गांव आए गांव कहाँ से, ये गांव गोरे गांव, मेरा गांव तेरा गांव, वहां से आप ट्रैवल करके घर जाते हो, 10-10:30 बजे वो टिफिन खुलती है उसको वॉश करने के लिए, ताकि अभी सुबह, तो देखती है अंदर पूरा प्रोग्राम वैसे का वैसे ही है जो सुबह 5 बजे उसने दी थी। अये हाय, दिल दिया दर्द लिया, टिफिन लिया दर्द दिया, उसके बाद मेरे को नींद से उठा करके, सुनो जानू तुम्हें भी ऐसे, हाँ अभी कुछ प्यार की बातें करेगी, खाना नहीं खाया आज? नहीं नहीं, वो पिज्जा था, मेरे लिए भी लाता ना पिज्जा, मेरे लिए भी लेकर आता पिज्जा, मैं पागल हूँ ना सुबह 5 बजे उठ करके तेरे हेल्थ के लिए सेम, मैं पागल हूँ क्या 7 बजे उठती हूँ। उसके बाद से जब भी कभी ऐसे इंसिडेंट होता है ना, वॉचमैन को दे देता हूँ, वॉचमैन खाना खाएगा, वो बोलता है अरे हाँ हाँ, तो बोलता ये ले रख, खाना गर्म करना, बाद में ऊपर ला करके देना, बोलना साहब नीचे टिफिन भूल गए थे। सिर्फ इतना, क्योंकि इतनी प्लॉटिंग करनी पड़ती है ताकि हमारी बीवियां खुश रहे घर पे। बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है, बहुत मजा आया।
है ना, एपिसोड में तो बहुत मजा आया, ये लास्ट वाले टॉपिक में बहुत अच्छा लगा, यू नो सबसे। आप चंडाल चौकड़ी चारों जन आप लोगों के साथ मिल करके, आप लोगों के साथ ये डेस्क शेयर करके बहुत अच्छा लगा। आज तक मुझे ऐसे लगता था कि मैं अकेला ही टॉर्चर सह रहा हूँ, सिर्फ मुझे ही गम, मुझे ही तकलीफ हो रही है, लेकिन आज आप लोगों की कहानी सुन के मुझे थोड़ी सी खुशी हुई, थोड़ी सी राहत मिली कि आप, मैं अकेला नहीं हूँ, आपके पापा भी मेरे साथ हैं। एंड आई होप आप लोगों को भी ये शो, जो जो ये बटन्स चैनल देख रहे हैं, एंड आज का जो ये शो था, एपिसोड का नाम क्या है, Kids Speak, जो जो आप लोग देख रहे हैं, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। yes. आप लोग भी मेरी तरह कुछ चीज इस बच्चों के पास से ले जाएंगे अपने साथ, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बटन।